नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम एक बहुत ही फेमस रेसिपी बनाने वाले हैं, जिससे आप हमेशा बाहर रेस्टोरेंट में, होटल में, शादियों में या फिर पार्टी में खाते हैं। तो क्यों ना इस रेसिपी को घर पे ही बनाया जाए और सबकी वाह-वाह ली जाए। तो आज हम बनाने वाले हैं पाव भाजी। इस रेसिपी को आप टिफिन में सर्व कर सकते हैं, ऑफिस में लंच को भेज सकते हैं या फिर बाहर पिकनिक को भी लेके जा सकते हैं। तो देखते हैं इस रेसिपी में हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये करीबन आधा किलो आलू है, जिसे हम अभी कुकर में चार सीटियां निकालेंगे और उसे उबालेंगे। आधा किलो टोमेटो, एक बड़ी हरी शिमला मिर्च, एक बड़ा प्याज, ये फूल गोभी है जो एक कटोरी मैंने बारीक कटा हुआ लिया है, ये हरे मटर हैं फ्रेश एक कटोरी, और ये हरी फरसी है जिसे बारीक काट के मैंने रखा है एक कटोरी। तो मैंने आलू को एक कुकर के डब्बे में लिया है और बाकी की तीन सब्जियां यानी कि फरसी, मटर और फूल गोभी, इनको भी एक कुकर के डिब्बे में लिया है और अब मैं इनकी चार सीटियां निकालूंगी। अब गैस पे मैंने एक पतीला रखा है और उसमें मैंने चार बड़े चम्मच तेल लिए हैं और इसमें थोड़ा मैं हींग मिला दूंगी और इसमें मैं दो पत्ते तेज पत्ता के डालूंगी। तेल गर्म होते ही जो हमारा प्याज था बड़ा वाला, उसको मैंने बारीक चीर लिया है और अभी इसमें मिला दूंगी। अब हमारा तेल गरम हो गया है और मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। करीबन 5 मिनट के लिए हम इसे भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक। आपको बीच बीच में इसे घुमाते रहना है। जब तक हमारे प्याज भून रहे हैं, तब तक हम ये हरा मसाला है उसको इसका मिक्सर लगाएंगे। तो मैंने करीबन 6 पंखुड़ियाँ लहसुन की ली है, ये करीबन 1 इंच अदरक है, ये एक बड़ी हरी मिर्च है, आप 2 या 3 ले सकते हैं, और ये मैंने गरम मसाला लिया है। इसमें मैंने 5 इलायची के दाने लिए हैं, 10 लौंग के और करीबन 20 काली मिर्च। तो मैं इसका अभी एक मिक्सर लगा लूँगी। अब मैंने मिक्सर लगा लिया है और आप इसका हरा ये मसाले का पेस्ट देख सकते हैं। ये करते वक्त मैंने बिल्कुल पानी इसमें ऐड नहीं किया है और मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाला है इसमें। अब बाजू में मैं प्याज को मिला रही हूँ, ये भून रहे हैं और मुझे लगता है 5 मिनट लगेंगे, करीबन 10 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पे लगेंगे थोड़ा भूनने के लिए। कुकर में से मैंने आलू निकाले, उनको करीबन आधा घंटा ठंडा किया और अब मैंने इसका बाहर का छिलका है वो निकाल दिया है और मैं आलू को अभी मैश कर रही हूँ। मेरे पास ये मैशर है तो इससे हम आसानी से इसको मैश कर सकते हैं। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप हाथ से भी इसको मैश कर सकते हैं।
आलू को आपको अच्छे तरह से मैश करना है, नहीं तो फिर पाव भाजी में बड़े बड़े आलू के टुकड़े आ सकते हैं, इसीलिए थोड़ा टाइम लगती है मैश करिए अच्छे से। अब आप देख सकते हैं कि हमारे प्याज अच्छे से भून गए हैं, और अब शिमला मिर्च जो थी हमारी एक बड़ी वाली, उसको बारीक काट के रखा है यहाँ पे, और इसको मैं इसमें मिला रही हूँ। इसको 2 मिनट के लिए अब थोड़ा इसमें मिला लीजिए प्याज में। और अब इसको मैं ढक के रखूंगी। अब हमारी हरी शिमला मिर्च भून गई है, करीबन 15 मिनट मैंने इसको ढक के रखा था, बीच बीच में हिलाया था। मैं इसमें अब कटे हुए टमाटर डालूंगी। अब मैं इसमें 1 बड़ा टेबलस्पून नमक डालूंगी और इसको फिर से 10-15 मिनट के लिए ढक के रखूंगी ताकि अच्छे से गल जाए। ये हमारी बाकी की जो सब्जी थी उसको उबाल लिया था, मटर, फूल गोभी और फरसी, और उसका पानी निकाल के मैंने बाजू में रख दिया है। और अब मैं आलू की तरह इसको मैश करूंगी। जितना हो सके आप सब्जियों को मैश कीजिए ताकि पूरा मसाला सब्जियों में लग जाए। अब करीबन 15 मिनट हो गए हैं और ये टमाटर अच्छे से गल गए हैं शिमला मिर्च और प्याज में। मैंने बीच बीच में इसको हिलाया है, मिक्स किया है, और आप देख सकते हैं बहुत अच्छी ऐसी एक पेस्ट बनी है टमाटर, शिमला मिर्च और प्याज की। अब हमने गैस थोड़ा कम कर लिया है, फ्लेम सिम पे कर लिया है, और ये हमारा जो वेजिटेबल का मिक्सचर है और पोटैटो मैश्ड है इसको इसमें मिला लेंगे। अब हमने सारा मैश जो वेजिटेबल्स और पोटैटो था
इसको इसमें ऐड कर लिया है टोमेटो की पेस्ट में, और इसको धीरे धीरे मिलाना शुरू करेंगे। ये जो हमारी हरे मसाले की पेस्ट थी इसको इसमें डालेंगे। ये जो हमारा स्टॉक था वेजिटेबल्स का इसको इसमें मिला लेंगे। गैस हमारा सिम पे ही है, अगर आप चाहें तो इसको गैस से निकाल के भी मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसमें बाकी के मसाले मिला लेते हैं। ये एकदम थोड़ी सी हल्दी, एक बड़ा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टेबलस्पून जीरा पाउडर, आधा टेबलस्पून धनिया पाउडर, और ये दो बड़े टेबलस्पून मसाला, पाव भाजी मसाला। इसमें हम अब स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। अपनी हरी चटनी करते वक्त और टोमेटो को गलते वक्त हमने थोड़ा सा नमक डाला था, इसलिए थोड़े ध्यान से डालिए। इसको अच्छे से मिलाइए और इसको करीबन 5 मिनट ढक के रखिए। अब भाजी का स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें करीबन 4-5 टेबलस्पून बटर डालेंगे। अब इसको मैं 5 मिनट ढक के रखूंगी सिम गैस पे। अब हमारी भाजी तैयार है और आप देख सकते हैं अच्छे से मिक्स हो गई है ये मसाला और जो मैश्ड वेजिटेबल्स थे। अब हम इसको प्लेट करना शुरू करते हैं। तो हमारी भाजी अब तैयार है, और अब मैंने ये नॉनस्टिक पैन फ्लेम पे रखा है और इसमें बटर डाल के मैं पाव को गरम करूंगी। करीबन 1 टेबलस्पून बटर मैंने डाला है इसमें। और ये मेरे पास बन है, तो इसमें मैं हम दोनों तरफ से इसको फ्लिप करेंगे। थोड़ा लाइट ब्राउन होने तक आप इसको गरम कीजिए ब्रेड और बटर। तो हमारी पाव भाजी रेसिपी अभी तैयार है और मैंने इसको अभी प्लेट कर लिया है।
इसको लगने वाली सामग्री आपके घर पे आसानी से उपलब्ध होती है, तो ये रेसिपी को ज़रूर आप घर पे करिए और सबको खिलाइए। घर पे आपके पड़ोसियों के साथ रेसिपी शेयर कीजिए, आपके दोस्तों को खिलाइए ये रेसिपी, और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपके घर पे कैसी बनी। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।